आपण देखंतु केमिति हेछि एटा एटा पूरा गोटे गुंती गुंती हेकि हेछि आपणकर गुटिए जिंस फायदा रे आपण माने रहिबे चासी भाई माने तीनटा फेज रे फळ आपण तोळी परिबे गोटे आपण डिसेंबर लास्ट रे गोटे जनवरी लास्ट रे गोटे फेब्रुवारी लास्ट रे आपण जानि रखो वर्षा छि देलो त टुपे पानी दबा दक पानी बहुत कम खर्च होछि आमे भी रिक्वेस्ट करिवो अन्य चासी माने एई फळ रो चास करंतु एवं लाभजनक एटा गोटे लाभजनक बहुत लाभजनक एटा गोटे बहुत भलो मॉडल कम समय समय आपन केते लागला बहुत समय कम खर्च कम खर्च कम नमस्कार दर्शक बंधु आज आम आसी पहुंची जाइछु भद्रक जिला रे मो हाथ रे देखि परछन की कोन अछि मो हाथ रे अछि काश्मीर बरकोळी थाई काश्मीर आपल बेर जहाँ को कहती आम आज आसिक पहुँचीचु भद्रक जिलार सिमुड़िया ब्लॉक अंतर्गत खैरा ग्राम पंचायत आम सांगरे अच्छा सर्वेश्वर भाई जी कि बगीचार चाष कर थाई काश्मीर आपल बेर भाई आपन को स्वागत कर भाई आपणकर बहुत बढ़िया लगला आपणकर बगीचा बोली आपण एठी थाई काश्मीर आपल बेर एवं अनेक वैरायटी रा बेर मध्ये लगे आपणकर केमती कौन एटा आपण जानिया को पाइले आप आम मैडम अच्छा शालीन मैडम सहित जोगाजोग करू आम चारा आनी प्रोसेस अनुसार आम ही चाष कर प्रथम जान लें कमी या विषय यूट्यूब देखिए जानल ये गोटे लाभजनक आपणकर चाष बोली फसल बोली आप प्रथम जा यूट्यूब चेक कर सर्च कर जाणिके आग्रह हेली चाष करिया को आपण धान बिरी मुग ए सब बदल रे काहे कि एटा चाष करिया को इच्छा प्रकाश करले काईना धान रे हमर प्रॉफिट पाइलु रही काईना मु आसला बेले देखिली बाटे रे अनेक धान कटा है छि धान बिलगुडा पूरा दुई साइड रे रास्ता रे किंतु आपण कर एटी गोटे बहुत दूर बाटा आसला परे आमे देखे पाइलु बहुत बडो फार्म हाउस तेनु हमको टिके आश्चर्य लागला धान बदल रे काहे कि आपण एटा करछंती एटा करिवार उद्देश्य जे काहे कि हम गोटे किछु गोटे करबा के पई चाहुतली कौन सी फल जाति फोर्ड जाति गच्छ लगे मुझे चेष्टा जारी रखी थी आप गचर प्लांटेशन के मार्च लास्ट करी मार्च लास्ट विक रे देन आमर एटा आपणकर मार्च लास्ट विक देखिपे कैमरा फ्रेम अच्छी यहाँ हूँ थाई काश्मीरी आपल बेर रचटा जोटा कि मार्च मसरे प्लांटेशन होबे तार देखु फलटा आम पूरा हारवेस्ट स्टेज आसीना मो हाथ जो देखुं यहाँ हारवेस्ट मानने तोलिक बिक्री उपयोगी फल कि फल यहाँ हूँ बल सुंदरी मिक्स अच्छी मो हाथ में जी अच्छी किंतु एटा होची काश्मीरी आपल बेर जोटा आपण देखुचंती एटा आमर आउ गोटे मासरु डेढ़ मास लागिबो हार्वेस्ट हेकि बाजार को जिबा पई जा यार बाजार मूल्य आपण बुझिचंती केते कोन अछि वर्तमान आमर रेट त 100 टका अछि रिटेल रेट रिटेल रेट रिटेल रेट आर 100 टका अछि आ आपण प्रथमे मार्च मास रे एटा प्लांटेशन करले प्लांटेशन कला परे आपण आरो कोन केमती सब केयर नेले आमर अन्य चासी बंधु माने देखुचंती ना से मान चासी भाई मानु केति रिक्वेस्ट ये प्लांट जी तैयार कर उचा जमी पा जमी ना निष्कासन हो दरकार कर जगार ही हाँ गड़ाणिया जमीन पा गड़ी जा जमि ही चाषी भाई मान कह लगे मोर ये रिक्वेस्ट प्रथम गात दुई बाय दुई गभर ने बुले दुई फुट दुई फुट रखे खत आड़िया सार सब मिक्स कर भाई मार्च मास एंड भाई आनी प्लांटेशन आपना देखुं डिसेंबर फास्ट वीक प्रथम सप्ताह फल स्टेज हूँ यहाँ आम आप देखिपे आम आपको देखेदेबु बैक्रे आम देखिपे बहुत गुड़े ग्रीन बेर भी ये अच्छी आमर थाई आमर काश्मीरी आपल बेर अच्छी सीडलेस अच्छी किसी गच तेणु मिक्स कर भाई ये लगे तेणु भाई आपंकर गच्छे आप मेन्टेनान्स खर्च आसरेज एवरेज मेन्टेनान्स 200 रु 300 टका भितर खर्च अच्छे पर प्लांट पर प्लांट पर प्लांट 200 रु 300 टका भितर खर्च आस एरिया अच्छे ये आप एकर जमीन लगी एकर लगे गच लगे 500 गच लगे
500 आपन टे अधिका डिस्टेंस मेंटेन करके लगाइछंती 500 काई ना भाई एतरे इंटरक्रॉप करिछंती इंटरक्रॉप जेमिति कि भाई भेंडी भी लगाइछंती मोस्टली एडवाइजेबल नहे इंटरक्रॉप रे भेंडी बाइगण हमर हळदी एसो मध्ये लागिछि मझरे मझरे तेनु आपन इंटरक्रॉप लेले अधिका आपन किंतु गोटे एकर आरो एडवाइजेबल माने मिनिमम आपन यू कैन 8x10 रे आपन लगाई पारिबे 500 गछ गोटे एकर भाई जेतु 10x11 लगाइछंती 10x11 अच्छे तेणु आमर ये दुई एकर लग जा प्राय 500 गछ पाखापाखि 500 गछ आम देखिपे प्रत्येक गछरे आमर खर्च आसी जा 200-300 भाई कहवा मुताबक 200-300 टंका आमर एटा 8 मास लगुच पानी केमती कौन आर दि जा पानी गछ देखिकी पानी जिते गछ मागिबो तो ऑटोमेटिक जना पड़ो फाटिबो माटी फाटिबो ये करिबो सब तो जापर सब चाषी भाई मैंने जापर तथा वर्ष के सरी विकली के दौरान सप्ताह सप्ताह ना मसर थे भी चल मसे थे भी चल मैंने गचा गोटे जान रखे बहुत कम खर्च हो बर्षा सीझे ठुपे पा दवा दरकार ना पा दरकार ना कटिंग के कटिंग फास्ट टाइम फास्ट टाइम गज्ञा आपणकर ए गछरे आपणकर केते जण लेबर आपणकर इनक्लूड अछंती माने हमर त ए गछ पई नहे सब वैरायटी प्रकार पोखरी कतरु पन्नी परिवा कतरु भाई जने बहुत बड़े फार्म कहि रख छै भाई गोटे बड़े फार्म फार्म हाउस करछंती जोथरे कि विभिन्न प्रकार एठी अछि आमे आपनु देखैबु आउ एथरे से तांकर एवरेज केते जण अछंती लेबर आपण कर हमर 4 जण अछंती 4 जण अछंती चारि जन जे कि प्रत्येक दिन एठी काम कर प्रत्येक दिन तांका पई काम कर काम कर सब प्रकार वैरायटी काम हमर एटा देखन से पूरा बाउंड्री टा को सील करचन प्रथमे चढ़ई मान पई मध्ये गोटे व्यवस्था करचन काम मु कैमरामैन भाई को हमर रिक्वेस्ट करबी देखैबे सेटा चढ़ई मान पई गोटे व्यवस्था करचन गोटे घंटी देकी सेटा बाजुची राती रे चढ़ई उड़ी कहीं चढ़ई खाई जाऊँ फलटा मोर पाची चढ़ तो बहुत मीठा हाँ तेणु पक्षी मान कबल बचाप भाई गोटे घंटी व्यवस्था कर बहुत भल लगुच आमको ये आसिक आउ इवेन आम भी रिक्वेस्ट करूँ अन्य चाषी मैंने फल चाष करूँ और लाभजनक यहाँ गोटे लाभजनक लाभजनक फसल कि रिटेल रेट बर्तमान मुझे आसला बेले मार्केट बुझिक आसली रिटेल रेट 80-100 टाँचा चलती ग्रीन बेटा टी कम रोचे बाकी कहीं काश्मीरी आ बलसुंदरी आम अधिक रेट जाऊँच कहीं मीठा रोचे पूरा फल आपण मैं कही रखु भाई आड्रेस आम कहीदेच आपले ये भाई पाखु आसिक जे भी आम होलसेलर अच्छा फ्रूट होलसेलर से आसिक यू फ्रूट्स कलेक्ट करेंगे आमर प्रायत फल आम हार्वेस्ट स्टेज्रे होगला मोस्ट अफ द गचरे मुझे जी देखुली भाई तीन टा कि चार्ट स्टेज्रे फल बाहर तेणु आपत जी होलसेलर अच्छा से भाई को डायरेक्ट कंटाक्ट करेंगे आम डिस्क्रिप्शन बक्स में आम गोटे नंबर देवु से मध्यम कंटाक्ट करेंगे आमको मुझ आड्रेस कही रखुची एटा हूँ सिमुलिया ब्लक अड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत हलिशा ग्राम यहाँ भाई ना हूँ सर्वेश्वर साहू तांकर गोटे बहुत बड़ तीन एकर गोटे फार्म हाउस अच्छी आपत चाहिए ये डायरेक्ट आसीपारे ये पाखे आम जी भी देखुं कि फ्रूट्स होलसेलर सी आसिक डायरेक्ट यू आप फ्रूट सुलभ मूल्य पाइपारे मुझु कही रखुची भाई गच्छ आमठू कलेक्ट करते आम जगत सिंहपुर आम नर्सरी अच्छी भाई निजे जा मोर मन अच्छी मार्च मसर जड़े संपर्क पुह हिसाब से हे बोधे भाई हिसाब हे सांगर नहीं कि जाते कार्रे भाई 5टा ट्रे आनी गच्छ 500 प्लांट्स भाई आनी गच्छा आमर वर्तमान जोटा प्लांटेशन है वर्तमान कोली फली आपण मानक जो गच्छ आवश्यक देन आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाए नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करूँ सब वैरायटी रा 5 प्रकार आपल बेर प्लांट्स आम पाखे अवेलेबल सब समय रोचे आम डेलीवरी दौचु बै बस और आपत चाहिए आम नर्सरी आस भी नहीं पारे आपण मैंने आमको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो नंबर दिखाई से कांटेक्ट करूँ आमर आउ गोटे अनुरोध रही चाषी भाई मान बर्तमान मॉडर्नाइजेशन आड़ आम दुनिया गति करुच्छे ग्रीन इंडिया आमर बर्तमान मूवमेंट चली इंडिया रे तेणु आम मैंने चाष को प्राधान्य दबा बर्तमान समय आसी जा आगुरु थिला आमे धान बिरी मुग आम मना करूना धान बिरी मुग चाष कर बहुत लाभजनक आप थोपारे सबुति आप प्रॉफिट पाइपारे तेणु आमर एटा गोटे बहुत भल मॉडल कम समय समय आपन के लगला बहुत समय कम खर्च कम खर्च कम समय केते समय आपन लागला कोन एवरेज मार्च मासरु एबे डिसेंबर आज के हमर 7-8 मास चलछि 7-8 मास भीतर आपन रिजल्ट देखु चंती इंस्टेंट रिजल्ट पाई परबे आपन एथरे मो मतरे जो रिजल्ट आछि मैडम बहुत भलो आछि
ଆପଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ଏଇ ଚାଷ? ମୁଁ ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। 10x10 ନହେଲେ 8x10ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଏଇଟାର ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି କମ୍ ଭାଇ, ସିନା ଏଠି ଅନେକ ଜିନିଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ବେର୍ରେ ବି କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ ପାୱାର ଆଡ଼ଭାଇଜେବୁଲ, ଆପଣ କୁସୁମ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇ ଗଛରେ। ଭେଣ୍ଡି ବାଇ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ହଳଦୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ହଳଦୀ, ଅଦା ଏସବୁ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କହି ରଖୁଛି ଭାଇ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏଠି ସେଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କୋଳି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି କୋଳି, ଏମିତି କୋଳି ବୋଧ ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୁନ୍ତି ଗୁନ୍ତି ହେଇକି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ପ୍ରୋସିଜର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସେ କୋଳି ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଆମକୁ କଷି ସମୟରେ କିଛି କୋଳି ଆଦୁରୁ ଝଡ଼େଇ ଦେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଫଳଟା ପ୍ରପର୍ ସାଇଜ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 60-70 ଗ୍ରାମ ଭଳି ଫଳ ହେବ, ମାସେ ପରେ ଏଇଟା ହାରଭେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଳିଟା ଆପଣ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାସେ ପରେ ହାରଭେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା କହିଦେଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବେର୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କୋଳି ମାସେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହାରଭେଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବେର୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର 1.5 ମାସ ପରେ ହାରଭେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ହାରଭେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଆର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଳି ଆପଲ୍ ବେର୍ ଫାର୍ମିଂର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫାଇଦାରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, 3 ଫେଜ୍ରେ ଫଳ ଆପଣ ତୋଳିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ, ଗୋଟିଏ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟରେ, ଗୋଟିଏ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟରେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଳର ସାଇଜ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବେର୍, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଭାଇ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଢିରା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଫଳ ହେଇକି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 20-25 କେଜି ଫଳ ହେଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଗଛ ଏଇଟା। ଆମେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଗଛ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗଛରେ 40 କେଜି ଭଳି ଫଳ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ଆମର ଫଳ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 20-25 କେଜି ଫଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ବେର୍ ଗଛ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ଜାଣିବେ କେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଗଛ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗଛର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ରହିଛି, ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ଭିତରେ ଅଛି କଣ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବେର୍। ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ମଡ଼େଲ, ଆପଣ ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ବେର୍, ଗ୍ରୀନ୍ ବେର୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବେର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ବେର୍। ମୁଁ ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକିନା ଫଳଟା ଆମର ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଫଳଟା ତୋଳି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମିଠା କମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଚିନି ଭଳି ମିଠା, ପୁରା ମିଠା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ମିଠା, ଏଇଟା ଆମର ଆପଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମର କାଶି ବରକୋଳି ଗୋଟେ ଆସେ ତା ଭଳି ନୁହେଁ, ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲିୟର ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଶ୍ମୀରୀ ଆପଲ୍ ବେର୍, ଯେଉଁଟାକି ବେର୍ ଆପଲ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ କୋଳି, ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ। ଆପଣ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ ଚାଷ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର୍ 7-8 ମାସ ଭିତରେ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 35 କିଲୋ ଭଳି ଫଳ ଆସିଯିବ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 30-35 କେଜି ଭଳି ଫଳ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଫଳ ହେଇଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡାଳ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଯୁବ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗଛ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବେର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଫଳ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବଲସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଲସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆମର ହେଇନି ହାରଭେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇନି, ଏଇଟା 1.5 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ତୋଳା ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡ ୟୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାରା ଗଛ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଫାର୍ମିଂ।
यूट्यूब चैनल आउ आमर वीडियो रे लाइक कमेंट शेयर मध्ये दियंतु एवं कमेंट बॉक्स माध्यम रे आपण मतामत जणांतु आपण ए चास जदि करबा को चाहुचंती ताले आम सह कांटेक्ट करंतु कोळी जदि कलेक्ट करय चाहुचंती बाइक एड्रेस को आसंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, रहिलु देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे।